नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। आज हम अमृतसरी कुलचा बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्थ में बहुत ही फेमस है, बहुत शौक से खाया जाता है, खिलाया जाता है। तो जो अमृतसरी कुलचा होता है, उसकी विशेषता यह है कि उसमें काफ़ी सारा लेयर्स होनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और स्पाइसी होना चाहिए। तो आज हम तीनों ही कंडीशंस को पूरा करते हुए बेहद सॉफ्ट, ऐसा फूला हुआ स्पाइसी, और जो सबसे बढ़िया सबसे विशेष खास बात है कि उसमें लेयर्स बनेंगी और बिना ईस्ट के तवे पर ही उसे बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी मेरे पास है हाफ कप का, ये है मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी मैदा मैंने छान कर रखा हुआ है, तो हम 2.5 कप मैदा लेंगे। ये हाफ मेज़रमेंट करता है, मैदा हल्का होता है। दो जी, हमने 2.5 यानी कि 2.5 कप, 2 और आधा कप क्या लिया है मैदा, जिसको हमने अच्छी तरह छान कर एक मतलब के ऐसे बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में रख लिया है। अब बाकी की चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए दही। 1 कप अगर मैदा लेते हैं तो उसमें 4 टेबल स्पून हम दही मिलाते हैं, तो इसमें हुई 10 टेबल स्पून हम दही ऐड करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 1 कप ही इसमें हमारा, जी इतना बाउल 10 टेबल स्पून इसमें दही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी चीज़ों को पहले दही में ही ऐड कर लेंगे। जो हम इसमें बटर डालेंगे तो वो साल्टेड होता है, अमूल बटर है, तो इसलिए नमक की मात्रा हम थोड़ा ध्यान से ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ये मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून शुगर, जी मैंने क्या लिया है 1/2 टेबल स्पून, ये वाला टेबल स्पून रहता है, ये वाला टीस्पून रहता है। तो हमने 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला है नमक, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका नाप कैसे लेना होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले जैसे हमने ऐसे लेवल कर लिया, ये हो गया 1, तो 1/2 कैसे हुआ, ऐसे 1/2 हो गया ना। तो अब हम इसमें डालना है 1/4, तो अब आप इसका भी 1/2 कर दें तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बनती है, यानी कि इतना। अगर आप चुटकी से लेते हैं तो 3 चुटकी आप ले लें, बिल्कुल आपका सही बनेगा। ये भी मैंने दही में ही मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे बेकिंग सोडा पाउडर। जो मीठा सोडा होता है वो सॉफ्ट करने के लिए होता है, और जो बेकिंग पाउडर रहता है उससे हमारी चीज़ें फूलती हैं। तो ये हम लेंगे टेबलस्पून के हिसाब से 1/4 चम्मच, 3/4 टेबलस्पून। देखो अगर हम एक डालते हैं इतना होता है ना पूरा, तो ये तीसरा हिस्सा हो गया। ये है हमारा बेकिंग सोडा। और ये हम डालेंगे इसमें नमक, नमक हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप इसमें बटर भी मिला सकती हैं, और क्या चाहिए आपको कि आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने क्या मिलाना है। दोनों ही चीज़ों से जो हमारे अमृतसरी कुलचे हैं अच्छे बनते हैं। अब हम इन चीज़ों से मिक्स करते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। और जो हमने जो चीनी डाली है वो दाने दाने से हैं, आप पाउडर चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत चीनी इसलिए मिलाई है, शुगर शक्कर, क्योंकि हमें ऐसा पता चल जाता है जब हम आटा लगाते हैं
वो दाने खुर जाने चाहिए, इतना मसलना है। जब दाने बिल्कुल महीन खुर जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल मसल मसल कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें लेंगे थोड़ा पानी, ज़रूरत के अनुसार पानी लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगी कि कितना पानी लगा है। जी मैं 1/4 कप, ये कप की मेजरिंग है, तो इसे पानी ले रही हूँ। अब आप देख लेंगे कि इसमें कितना पानी लगता है। ये मैंने 1/4 कप पानी लिया है। अब हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। अगर डो को कितना टाइम रखना है, ये गर्मी की मात्रा पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हमारे जो मौसम है वो कैसा है। जैसे अब नॉर्थ में बहुत गर्मी पड़ रही है, आज जुलाई है, जुलाई का फर्स्ट वीक है, तो ऐसे में आज तो थोड़ी बारिश होके हटी है, मौसम ठंडा है। अदरवाइज़ जून मई जून में ये 2-3 घंटों में खमीर इसका उठ जाता है, आटा हमारा सॉफ्ट हो जाता है। आपने देखना होता है कि अगर हमारा आटा नहीं लगा है किसी वजह से, तो हम उसे दोबारा से रख लेंगे। सर्दियों में गर्मी से डबल टाइम लगता है इसे तैयार होने में, बस आपने ये बात नोट करनी है। अगर सर्दी में बनाते हैं तो आपको डबल टाइम इसका सॉफ्ट होने के लिए डो को रखना है। 1/4 मैंने कप लिया था, वो सारा पानी लग गया है ऐसा आटा लगाने में, परंतु हमने इससे भी थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, तो हम 1/4 ही फिर से ले रहे हैं, देखेंगे कितना पानी लगता है। तो इट मीन्स 1/2 कप हमने टोटल पानी ले लिया, 1/4 पहले लिया था, 1/4 अब, टोटल हमारे पास 1/2 कप पानी है। हमने बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट आटा लगाकर हम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब गर्मियों का सीज़न है, सर्दियों में इसे डबल दे, फिर हम देख भी लेंगे कि हमारा आटा जो डो है वो तैयार हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बीच में चेक करके देखूंगी, तो आपको बता दूंगी कि कितने टाइम में हमारा जो डो है तैयार हुआ है। अगर डो पहले तैयार हो जाए, आपने देर से बनानी है अमृतसरी कुलचे, तो आपको क्या करना होता है कि आपने उस डो को उठा के फ्रिज में रख देना होता है ताकि वो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। और इसकी पहचान क्या है कि हमारा डो रेडी हुआ है कि नहीं, ये साई में डबल हो जाता है, फूलकर डबल हो जाता है। देखिए हमारे चिपचिपा सा डो लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट। हमने पहले 1/4 लिया था, फिर 1/4 लिया था, यानी कि 1/2 हमारा पानी बिल्कुल नहीं लगा है। मैं आपको बता दूंगी कि कितना पानी हमारा बचा है। तो 1/2 से थोड़ा कम ही में हमारा जो डो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा अब मैं ले रही हूँ अमूल का बटर, 10 ग्राम मैंने अमूल का बटर लिया है, जो हम इसमें डालकर डो को सॉफ्ट करने तक मसलेंगे। अब हम इसे इसमें ऐड करके हमारे जो आटा प्रिपेयर किया है, डो प्रिपेयर किया है, उसमें मसल कर इसे हाथों से इस प्रकार से मसल कर इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक इसे ऐसे करेंगे, और फिर इसे हम खमीर उठने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारे कुलचे हैं वो एकदम सॉफ्ट और अच्छे बने। देखिए हमने कितना सॉफ्ट हमारा डो तैयार किया है, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, देखिए एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हमने डो लगाया है। अब हम 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। ऐसे कोई भी चपाती बॉक्स ले लें आप, उसमें रखें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो चपाती बॉक्स होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जो बंद हो जाता है बिल्कुल एयर टाइट। तो ऐसे करके हम 2 घंटे के लिए इसे बिल्कुल आप किसी गर्म स्थान पे, किसी कब्बड़ में, या किसी भी, आप गर्मी है, गर्मी में तो कोई खैर जरूरत नहीं है, अगर सर्दी में आप बना रहे हैं तो किसी ब्लैंकेट में इसे अच्छी तरह लपेट कर, या किसी पुरानी शाल में लपेट कर, तो किसी कब्बड़ में रख दें, तो इसमें जल्दी जो आटा है हमारा तैयार हो जाएगा। अब 2 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे, ये साइज़ में लगभग डबल हुआ होगा, तो फिर हम इसकी स्टफिंग और जो बाकी का प्रोसेस है आगे का करेंगे।
आटा लगा कर रखा था, अब मैंने उसे 2 घंटे बाद चेक कर लिया था, वो अच्छी तरह नहीं बना था। तो मेरे को इतना आटा अच्छी तरह ना आलू कुलचा बनाने के लिए तैयार करने के लिए 4.5 घंटे लगे हैं। देखिए जिस आई में कितना डबल हो गया है, आप उससे पहले वाली पिक्चर से कंपैरिजन कर ले, देखो कितना सॉफ्ट बना है और कितना देखिए नीचे से इसकी फर्मेंटेशन हुई है। तो गर्मियों में हमें मई जून की गर्मियों में 4 से 4.5 घंटे तक इसे रखना चाहिए और सर्दियों में डबल टाइम रखना चाहिए। आप सर्दी में अगर नाश्ते में आलू कुलचा बनाना चाहते हैं तो आप रात को आटा लगाकर चपाती बॉक्स में बंद करके किसी गर्म कपड़े से ब्लैंकेट वगैरह से ढककर इसे एक कबड़ में बंद कर दें। अगर गर्मियों में बनानी है तो ऐसे सिर्फ सिंपल चपाती बॉक्स में बंद करके आप इसे 4 से 5 घंटे तक रख लें। और एक बात आपने विशेष तौर पर नोट करनी है कि जो हमने दही लेना है, जब हमने आटा लगाया था तो वो वाला दही हमने एकदम से फ्रिज में से निकाल कर आटे में नहीं डालना, पहले उसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, फिर इसमें आटा गूंथते वक्त आटा लगाते समय इसमें मिक्स करना है। और जो दही है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे जो आलू कुलचा है उसमें से खट्टी खट्टी गंध आएगी, वो आएगी जो कि अच्छे नहीं बनेंगे। हमारा आटा फूल कर बिल्कुल रेडी है, हम इसे इसकी लेयर्स वाला जो हमारा आलू कुलचा है वह बन सके और अच्छा बन सके, इसके लिए हम आटा तैयार करेंगे। फिर मैं आपको स्टफिंग बताऊंगी कि किस प्रकार की स्टफिंग हमें तैयार करनी होती है। आटा हमने लगाया था चपाती बॉक्स से निकाल कर किसी खुले बर्तन में लगाए, देखिए कितना सॉफ्ट है और कैसे बढ़ रहा है। ऐसे रख लें और इसके ऊपर थोड़ा सा जो सूखा मैदा है वो डस्ट कर दें। आटा हमारा बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है। ऐसे ऐसे इसमें आटा थोड़ा सा सूखा डस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत लूज आटा लगाया था ताकि हमारे जो नान हैं, जो हमारे आलू कुलचे हैं, वो एकदम से बढ़िया बने। ये बिना तंदूर के, बिना किसी भी चीज़ के बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बनेंगे। देखिए हमारे हाथों से ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। हुन आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें बटर लेंगे। बटर ही इसमें मेन इंग्रेडिएंट है जो इसे लेयर्स का भी रूप देगा। पहले मैं ऐसे करती हूँ कि इसे थोड़ा सा चकले पर रखकर बेलन की हेल्प से इस प्रकार से हमें इसे स्पाट कर लेंगे, फैला लेंगे। सभी मैदे को हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम जो मैं बटर ले रही हूँ, अमूल बटर 10 ग्राम बटर लेंगे, यानी कि 1 टेबलस्पून आप इसमें बटर ले लीजिए। ये मैंने फ्रिज में से निकाला है इसलिए थोड़ा टाइट है, ये हाथों की गर्मी से ही मेल्ट हो जाएगा। मैं बारीक बारीक काट के, गर्मी ज़्यादा है हमारे, करते करते ही ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। हम इस पर ऐसे फैला लेंगे, लगा लेंगे, देखिए हमारे हाथों की गर्मी से ही ये फैलता जा रहा है। तो हमारा बटर है हमने लगाया था वो फैलना शुरू हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे कुलचे होते हैं उसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं, लेयर्स देने के लिए पहले ये काफ़ी बड़ा आटा है, हम चकला भी उठा देते हैं, काउंटर पर ही इसे ले आते हैं। देखिए जो बटर है बिल्कुल मेल्ट हो गया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, देखिए हमने बिल्कुल फैला दिया है। अब हम इसे लेयर देने के लिए पहले इस प्रकार से एक लेयर देंगे, फिर दूसरी, 7-8 लेयर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बन सके उतना ही अच्छा हमारा कुलचा बनेगा। अब फिर हम थोड़ा बटर लेंगे, आप मेल्ट भी कर सकते हैं इसे, परंतु गर्म नहीं करना, मेल्ट ही करना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हमने इसे बीच में फिर लगा दिया है, अब फिर ऐसे एक बार लेयर देंगे, फिर सूखा आटा डस्ट करके फिर फैला लेंगे।
थोड़ा बटर लेके इस पे ऐसे स्प्रेड करेंगे। हमने फैला दिया है, इसमें बटर काफ़ी रहता है तभी ये सॉफ्ट और लेयरदार बनते हैं। फिर ऐसे कर लें, कर लिया इस प्रकार से हमने, फिर ऐसे कर लें। अब हम क्या करेंगे, सभी जितना बटर हमने लगाना था यानी कि हमने 30-40 ग्राम बटर इसमें लगा दिया है लेयर्स देते देते, अब हम इसे पटक पटक कर किसी भी चकले पे या काउंटर पे अगर ऐसे अच्छी तरह, ताकि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स है इसमें आ जाएं, पटकने से और ऐसे मथने से आप 8-10 मिनट ऐसे इसे अच्छी तरह मथते जाएं। सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं, जो यानी कि मैदा है, बर्तन की सहायता भी ले सकते हैं। ऐसे हम अच्छी प्रकार से इसे पटक पटक कर मस लेंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स आ सके और जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हो सके। ऐसे मथने से ज़्यादा 8-10 मिनट में ऐसे ही मथूंगी बस। फिर काउंटर पे आ जाऊंगी। जब हमने 8-10 मिनट तक आटे को ऐसे पटक पटक कर मारना है तो हमने ऐसे करना होता है इसे, जैसे ऐसे कर लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे 8-10 मिनट हम खूब इसे, जितना आप मसलेंगे उतनी लेयर जिसमें बड़ी आएगी और ये फूलेगा भी खूब, ये सॉफ्ट हो जाएगा और लेयरदार बनेगा। आपने बाज़ार में भी मार्केट में भी इतनी लेयर्स वाला इतना सॉफ्ट कुलचा नहीं खाया होगा। आप यकीन मानिए, मेरे को फॉलो करते हुए ऐसे ही बनाई तो आप कहेंगे कि बाज़ार का खाना, रेस्टोरेंट का खाना कुलचा भूल जाएंगे और इसका स्वाद आपकी जुबान पर सालों साल रहेगा कि कैसा लाजवाब हमने कुलचा बनाया है। आप कभी बाज़ार की ओर मुंह भी नहीं करेंगे, घर के कुलचे ही हमेशा प्रेफर करेंगे। देखिए मेरे को 8-10 मिनट होंगे, ये कितना सॉफ्ट हो गया, देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसके क्या कर थोड़ा लोइयाँ काट लेंगे। 8-10 मिनट काउंटर पे पटक पटक के इसे खूब मुलायम कर लिया है ताकि हमारे कुलचे की जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बने और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बने। दो विशेषताओं के कारण ही कुलचा बढ़िया समझा जाता है, एक तो लेयरदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स हो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हो, फूला हुआ हो। तो हम फाइनल हम क्या करेंगे, जब हमने 8-10 मिनट इसे खूब फेंट लिया है तो हम एक बार फिर इसमें मक्खन की अपनी लेयर देंगे। आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मक्खन तो मक्खन ही होता है, घर का बनिया भी ले सकते हैं और बाज़ार का भी। मैंने अमूल का बटर लिया है जहाँ पे ये साल्टेड है। तो जब हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे तो बहुत ध्यान से, जे मैंने जे वाला बटर लिया है अमूल बटर साल्टेड, तो हम उसमें बटर नमक या ध्यान से मिलाएंगे। अब हम फाइनल इसे टच देने जा रहे हैं, तो ऐसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और ताकि हमारी लेयर्स आ सके। हम अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे, जितने भी छोटे बड़े आपको कुलचे तैयार करने हैं उसी हिसाब से आप इसमें आटा थोड़ा मैदा डस्ट करके इसकी लोइयाँ काट लें ताकि आपके हाथों से ना चिपके। ढाई कप मैदे से हमारे 8 जो कुलचे हैं वो तैयार होंगे। ये मैंने आलू लिए थे, इसे अच्छी तरह धो लिया, धो के मैंने बॉयल कर लिया और छिलका उतार लिया। अब मैं इसे मैश करूँगी। तो हमने आलूओं को बॉयल करना है तो हमने स्टीम शांत होने पर तुरंत ही उसे पानी से निकालना होता है, नहीं तो जो हमारे आलू है वो पानी से भर जाएंगे और जब हम इसे कुलचे में फिल करेंगे तो हमारे कुलचा वो ठीक नहीं बनेगा, एकदम से लूज हो जाएगा और फट जाएगा। इसलिए आलूओं को बालते समय हमने विशेष बात का ध्यान रखना है, कुकर में से तुरंत निकालने होते हैं। जे मैंने 6 आलू लिए थे और अब इसमें मैं जो जो मसाले मिलाऊंगी वो आपको दिखा रही हूँ। जे मेरे पास है ब्रीक कटा हुआ, एक मैंने बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज लिया है, जे मेरे पास है ब्रीक कटी हुई हरी मिर्च, जे मेरे पास है कद्दूकस किया हुआ 1 टेबल स्पून अदरक,
एक ही मैंने हरी मिर्च ली थी और एक ही प्याज लिया था। ये मेरे पास है कसूरी मेथी एक टेबल स्पून, ये है अमचूर पाउडर मेरे पास एक टीस्पून, ये है धनिया पाउडर एक टीस्पून, ये है मेरे पास भूना जो जीरा साबुत मैंने तवे में भून के उसका पाउडर बना लिया है एक टीस्पून, लाल नमक है मेरे पास हाफ टी स्पून। हमने नमक की मात्रा ध्यान रखना है क्योंकि जो बटर मिलाया है वह भी नमकीन है हमारा, साल्टेड बटर है, और मैदे को गूंथते वक्त फर्मेंटेशन के भी नमक डाला था, इसलिए स्टफिंग में बहुत ध्यान से नमक डालना है। ये थोड़ा सा मैं चीटा वाइट सफ़ेद नमक मिला रही हूँ ऑर्डनरी, और लाल मिर्च भी आपने ध्यान से मिलानी है, हाफ टी स्पून में लाल मिर्च मिला रही हूँ क्योंकि हमने काली भी डालनी है, लाल भी डालनी है और हरी भी डालनी है, इसलिए बड़े ध्यान से मिर्चियों को हमने मिलाना है, जाके ऐसा ना हो कि आप इसे खा ना पाएं। ये गरम मसाला पाउडर है एक टी स्पून, और ये है मेरे पास जो अनारदाना रहता है उसे मैंने अच्छी तरह खरबट्टे में कूट लिया था, और ये है मेरे पास एक टेबल स्पून अनारदाना। आप इसे टेस्ट भी करके देख सकते हैं, अगर हरे धनिया के पत्ते हों तो वो भी आप इसके बीच में मिक्स कर दें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के पश्चात अच्छी तरह हमने इसका नमक चेक कर लेना है। मसाले मिक्स करके हमने स्टफिंग तैयार कर ली है, बस आपने नमक का विशेष ध्यान रखना है, और ये है मेरे पास सफ़ेद तिल और ये है मुंगरे क्या बोलते हैं इसे कलौंजी, ये ऊपर लगाने के लिए है, हरे धनिया पुदीने के पत्ते हैं ये भी हम ऊपर लगाएंगे, तो कसूर अगर मेथी का सीज़न है तो आप मेथी भी लगा सकते हैं ऊपर, नान पे लगी रहती हैं, अगर कसूरी मेथी भी थोड़ी हम लगा सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। मैं थोड़ी इसके धनिया के बीच में ही मिक्स कर लूँगी, इस सभी चीज़ों का बहुत अच्छा हमारे कुलचे में टेस्ट रहता है। तो आज हम बिना तंदूर के बिना ओवन के दो प्रकार से मैं आपको नान लगाने सिखाऊँगी, तो वो किस प्रकार से, एक तो हम कुकर में लगाना सीखेंगे कि किस प्रकार से लग जा सकता है, कुकर को पहले हम प्री हीट कर लेंगे एक तवे पे, तो दोनों प्रकार के मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से नान लगा सकते हैं। पहले हम हमारे चकले पे थोड़ा सा जो डस्ट कर लेंगे मैदा, और इसे ऐसे फैलाएंगे जिस प्रकार से हम चपाती फैलाते हैं, हमने स्टफिंग ली है उसकी गोली सी बनाएंगे और इसके बीच में अच्छी तरह से अपने कुलचे में स्टफ कर देंगे, और सिलबट्टे डालते हुए ऐसे हम इसे बंद करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस है तो इस आप में ज़्यादा भी इसमें स्टफिंग मिला सकते हैं, और कम प्रैक्टिस है तो आपकी स्टफिंग ज़्यादा नहीं डले, इस प्रकार से इसे बंद करते हुए, और जो या तो इसे आप काट दें या इसके ऊपर ही ऐसे कर दें जैसे कचौड़ियाँ हम फिल करते हैं, तो सभी प्रकार के कुलचे हम इस प्रकार से अब इसे बढ़ाएंगे। आप इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करते हुए, और बेलन की हेल्प से भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप को ज़्यादा किचन का अभ्यास नहीं है प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे बेलन की हेल्प से भी इसे बढ़ा सकते हैं, और गोल भी बना सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उसी प्रकार से इसे बना सकते हैं। दोनों प्रकार से मैं आपको दोनों तरह से बनाकर दिखा दूँगी। ये हमारे कुलचे बेहद टेस्टी और लाजवाब बनती हैं। इसके ऊपर अब थोड़े से तिल और कलौंजी ऐसे लगाएंगे, इससे लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट में भी थोड़ा इजाफा होता है। अब अगर आपके पास धनिया कसूरी मेथी, अगर सर्दी का सीज़न है तो फ्रेश मेथी रहती है, तो इस प्रकार से इसके ऊपर लगा दें। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा तवा गर्म है क्या, हमारा तवा गर्म है तो पहले हम इसे तवे पर इस प्रकार से एक साइड पे हम इसके पानी लगा लेंगे, जो पानी लगाएंगे वो साइड हम इसकी ऊपर ऐसे लगा देंगे, ये मैंने ओवल शेप में बनाया है अपना कुलचा, ऐसे लगा देंगे, और इसकी साइड पे भी हम थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि वो स्टीम बन के
ऐसे अब इसे ढक देंगे ताकि वो स्टीम में पक जाए। मैंने छोटे बर्नर पे कम आंच पे इसे रखा है, एक दो मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। और इसी प्रकार से हम अपना दूसरा कुलचा, कितना फूला था कुलचा, कितना बढ़िया फूला है। और अब हम इसे बटर लगानी है क्योंकि कुलचे पे तो बटर होता ही है। देखिए तवे पे भी हमारा कुलचा कितना फूला है और कितना बढ़िया सिका है। तो कुलचा देखिए कितना फूल गया है और कितना बढ़िया बना है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और मैं आपको दूसरा कुलचा दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमने लगाना है। एक हम एक में आपको तवे पे पानी लगाकर बताऊंगी, दो तीन प्रकार से बताऊंगी कि किस प्रकार से जिस साइड पे हमने पानी लगाया है वे हम ऐसे लगा देंगे तवे पे और इसे सिम आंच पे थोड़ा पकने देंगे और इसे ढक देंगे। आप उल्टा करके भी इसे गैस पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइडों में पानी लगाते हुए ताकि स्टीम बन जाए और ये अच्छी तरह फूल जाए, ऊपर से हम कवर कर देंगे। ओवन की जैसा ही काम करेगा। दूसरा मैं आपको कुकर में बता रही हूँ, जो कुलचा है हमने स्टफ़ कर लिया है, बीच में जो कलौंजी और तिल लगाएंगे, हरा धनिया, कसूरी मेथी लगाते हुए अब इसकी एक साइड पे उसी प्रकार से हम पानी लगाते हुए इस प्रकार से एक साइड पे पानी लगा लेंगे। और कुकर को मैंने प्री हीट कर लिया है, जो गर्म है तो हम इसके ऐसे बगल में आप मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से कुकर की ऐसे बगल में लगाकर आप कुकर को उल्टा कर दीजिए, इसे अच्छी तरह चिपका दें ताकि जो बनने पर नीचे ना गिरे। और ऐसे उल्टा करके आप इसे ओवन की तरह ही पका सकते हैं। अब हम अपना तवे वाला कुलचा चेक करते हैं। ये थोड़ा फूल रहा है, देखिए अब और फूलेगा। थोड़ा पानी हम फिर लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जो स्टीम बनती है उससे जब हम इसे कवर करते हैं तो अंदर स्टीम बनने लगती है। देखिए उस पर कितना अच्छा कुलचा उस साइड से सिका है। अब इसे कवर करके हम दूसरी साइड से भी, ये हमारा कुलचा कितना बढ़िया फूला है, जैसे कि बाजार से हम लाकर खाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये फूल गया है। हम इस पर बटर लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ से ये खूब फूला है। अब बटर लगाना तो बनता ही है कि कुलचे पे बटर खूब रहता है। देखिए कितना ज़्यादा फूला है, जैसे हम बाजार से लाकर खाते हैं। अब ये भी हमारा देखिए कुकर में कितना अच्छा बन गया है। थोड़ा जिस साइड से थोड़ी साइड देखिए कितना फूल रहा है तवे पे भी हमारा, कितना ज़्यादा जैसे बाजार में रहता है। अब हम इसे एक बार देखिए बिल्कुल कैसा फूला है, फूले फूले बने हैं बाजार जैसे। टेस्ट में भी ये बाजार से रेस्टोरेंट से बिल्कुल कम नहीं होंगे। मैं आपको इसकी लेयर्स भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स रहती है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इस कुलचे का हम हाल चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया ये भी हमारा फूल कर बना है। मैं इसको किसी नाइफ की सहायता से निकाल कर आपको बताती हूँ। देखिए बिल्कुल कितना अच्छा ये फूला है, ओवन की बिना ही देखिए कितना अच्छा बना है। थोड़ा हम ऐसे सेक लेते हैं, आप तवे पे भी सेक सकते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी यही बिल्कुल फूला फूला बना है। इसी प्रकार आप कुकर में भी इसे ओवन की बिना बिल्कुल अच्छा कुलचा तैयार कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा कुलचा बहुत अच्छा सिका है। अब इस पे बटरी लगाएंगे तो तवे की हेल्प लेंगे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उससे बटर ज़्यादा वेस्ट चला जाता है, इसलिए मैं तवे पे रख के लगाती हूँ।
देखिए दोनों तरफ से हमारा कुलचा बहुत ही अच्छा सिका है, बहुत ही बढ़िया बना है। मैंने दोनों तरफ से खूब बटर लगा दिया है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हमने हमने जो तीसरे प्रकार का कुलचा रखा है, देखिए हमारा कुलचा बहुत अच्छा सिक रहा है, एक साइड से फूल भी खूब रही हैं। देखिए ये कितना बढ़िया फूला है, आँच को हमने कम ही रखना है। देखिए ये कितना बढ़िया फूला है, बिल्कुल बाजार जैसा। जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो ऐसे ही वाइट वाइट से फूले हुए, जो देखिए कितना फूल रहा है ये, इसलिए फूल रहा है क्योंकि हमारा जो आटा है बिल्कुल ठीक लगा है। देखिए कितना ज़्यादा फूला है, मैंने इधर से भी आप कर ले जितना आपको ज़्यादा पसंद है सेकना। मैंने बटर लगा दिया है। देखिए हमारे अमृतसरी आलू कुलचा बनकर बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसकी आपको लेयर्स भी करके दिखाऊंगी। एक मिनट पहले मैं इसकी आपको लेयर्स दिखाती हूँ, कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। देखिए इसमें एक नहीं कई लेयर्स बनी है, देखिए देखिए कितनी लेयर्स इसमें बनी है, आप देख लें। देखिए परत दर परत ये बिल्कुल अच्छा कुलचा बना है, तो खाने में भी बेहद टेस्टी है। मैं पहले भी घर में बनाती रहती हूँ। तो देखिए हमारे कुलचे अमृतसरी आलू कुलचे बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ऐसे ही मेरे को फॉलो करते हुए बनाइए, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।